हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन 1 का ई मैंने आपको खुद से करने को बोला था। सो आई थिंक सबका हो गया होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, कमला बोलो बोरोड रूपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पीए। पीए मतलब पर एनम, पर एनम का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, ईयरली कंपाउंडेड अगर हम करें तो उसने इसने पैसे लिए। तो व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। टाइम हमें कितना दिया है, 2 years एंड 4 months। अगर हम ईयरली कंपाउंड करें तो हम पूरे ईयर होने चाहिए 2 year या तो 3 year, यहाँ पे तो 2 year एंड 4 months है। तो नीचे आपको हिंट दी है, क्या दिया है कि पहले 2 year का हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के अमाउंट फाइंड कर ले। ठीक है, फिर वो अमाउंट पे हम क्या करेंगे, 4/12 years का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 4/12 years क्यों बोला है, क्योंकि 4 months, 1 year मतलब की 12 months, तो 4 months मतलब की 4/12 years। 12 मंथ्स का क्या मतलब होता है, 1 year होता है ना, तो 4 years के year, 4 month के years कितने होंगे, 4/12। उसका हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर उसे 2 year की अमाउंट में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले मैं सेंटेंस लिखती हूँ कि वी विल फाइंड ए फोर 2 years when interest is compounded yearly. We will find A. A मतलब amount for 2 years when interest is compounded yearly, and then सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए ऑफ 2 years ऑन अमाउंट ऑफ 2 years। ये 2 years की हमें जो अमाउंट मिलेगी ना, उसे प्रिंसिपल लेके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। किसका, ऑफ 2 years ऑन ए ऑफ 2 years फोर 4n/12 years। ठीक है, 4 months था, उसे ईयर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 4/12 years। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, उसका भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फोर 2 years। 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा, तो प्रिंसिपल कितना है कि 26,400 रूपीज, 26,400। ए मतलब की हम क्या लेंगे, 2 years। ठीक है, आर मतलब की रेट कितना है, 15%। ठीक है, तो हम ए फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इन टू 1 + R/100 / n। ठीक है, पी मतलब 26,400 इन टू 1 + R मतलब 15/100, ए मतलब की 2। यहाँ पे 3 × 5 = 50 और 25 = 100। ठीक है, ना 26,400 एज इट इज, ये 20 ऐसे होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 × 1 = 20, 20 + 3 मतलब की 23/20, इसका क्या है, स्क्वेयर। ठीक है, ना क्या आएगा, 26,400, 23/20 का स्क्वेयर मतलब की 2 times, 23/20 मल्टीप्लाई बाय 23/20, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 264 को 2 से डिवाइड करो तो 13 and 2 = 132, अगेन इसे 2 से करो तो क्या आएगा, 66, दैट मीन्स की 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, दो दो जीरोस कट हो गए, 264 को 2 से डिवाइड किया तो 132 को 2 से डिवाइड किया तो 66। ठीक है, नाउ 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 20
because 16s are 12, 16s are 12 plus 1, 13. 16s are 18, 18 plus 1, 19. 8, 9 plus 2, 11. 5, 1, 1, 5, 1, 8. Again multiply by 23. 8 2's are 16, 2 1's are 2 plus 1, 3, 5 2's are 10, and 2 1's are 2 plus 1, 3. 8 3's are 16, upper 1, 3 1's are 3 plus 1, 4. 5 3's are 15, upper 1, 3 1's are 3 plus 1, 4. So 6 plus 4, 10, 4 plus 5, 9, 4 and 3. Kya bana? 3 4 9 0 6. 3 4 9 0 6. ये क्या है रुपीज, ये क्या मिला मुझे टू इयर्स के लिए अमाउंट मिला। अब इस अमाउंट में हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फॉर फोर एयर ऑन ट्वेल्व इयर्स के लिए। हमने क्या लिखा था, एंड देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए फॉर टू इयर ऑफ टू इयर्स। ठीक है, टू इयर्स का हमें जो अमाउंट मिला था उस पर हम फोर अपॉन ट्वेल्व इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट फोर अपॉन ट्वेल्व इयर्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या चाहिए होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन हंड्रेड होता है, तो इसे हम पी ले लेंगे ना। ठीक है, अब हमारा पी क्या हो जाएगा, 34906 आगे रुपीज लगेगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर अपॉन ट्वेल्व इयर्स, एंड आर मतलब की रेट तो जो था वो ही रहेगा 15%। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी एन आर अपॉन 100। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम तो क्या होगा, पी मतलब की 34906, एन मतलब की 4/12 और आर मतलब की 15। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, डिवीजन करते हैं हम, ऐसे 12 से डिवाइड करो, 34906 डिवाइड बाय 12 करो, पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, तो 34906 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 आर 30, 5 9 आर 45, ऊपर आया 4, 5 4 आर 20 प्लस 4 24, 5 3 आर 15 प्लस 2 17 डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा, 1745.30 आएगा, टू डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ना, क्योंकि डिवीजन में क्या है 100। ठीक है, तो ये मिल गया इतना सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना था कि व्हाट अमाउंट वीसी पे एट द एंड ऑफ टू इयर्स एंड फोर मंथ्स टू क्लियर द लोन, टोटल कितनी अमाउंट वो करेगी। ठीक है, तो टू ईयर की अमाउंट एंड प्लस फोर एंड फोर अपॉन ट्वेल्व ईयर का इंटरेस्ट, दोनों का टोटल करोगे उतनी अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नाम क्या था, कमला, कमला वी पे कितना, दोनों का सम करो, ये क्या है 34906, 34906 प्लस 1745.30, 1745.30 इज इक्वल टू 0.30 एज इट इज, 6 प्लस 5 11, ऊपर आया 1, 1 प्लस 4 5, 9 प्लस 7 61, 5, 5 प्लस 1 6 एंड 3, क्या कितना पे करेगी, कमला मेरी पे रुपीज 36651.30। क्लियर, ठीक है, एट द एंड ऑफ टू इयर्स एंड फोर
मंथ्स टू क्लियर द लोन. क्लियर? ठीक है, लिख लो सर. क्या करेंगे जब कभी भी आपको ऐसे पूरे ईयर ना दिए हो और ईयर और कुछ मंथ्स दिए हो, तो जो ईयर था अगर कंपाउंडेड ईयरली बोला है तो ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो डायरेक्टली हो जाता. अगर कंपाउंडेड ईयरली बोला है तो पहले जो पूरे ईयर थे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट फाइंड करो, उसी अमाउंट पे बाकी बहने बाकी जो बचे थे मंथ ठीक है उसको ईयर में कन्वर्ट करके इस अमाउंट को लेके उसका क्या करोगे सिंपल इंटरेस्ट. फिर ये अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को एड कर दो तो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा. क्लियर? ठीक है, लिख लो सभी. क्वेश्चन नंबर टू, पहले ये ऊपर का पूरा सेंटेंस लिखना, फिर लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स, फिर यहां से कैलकुलेशन, फिर ये वाला, फिर वो वाला. क्लियर? हो गया. देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन थ्री क्या है? फेबिना बोरोस रुपीज 12500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. ठीक है, फेबिना ने जो पैसे लिए है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए है जबकि राधा ने वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए है. ठीक है, फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए है तो उसका कैलकुलेशन हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करेंगे. ठीक है, और फेबिना और राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है तो राधा का हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, नाउ पहले हम फेबिना का करते हैं. फेबिना किससे लेती है? सिंपल इंटरेस्ट से. ठीक है, उसके लिए प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 12,500. ठीक है, एज इज इक्वल टू क्या है? 3 years और रेट कितना रखा है? कितना परसेंट है? 10%. दोनों का परसेंट भी सेम है, दोनों का प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों का ईयर भी सेम है, सिर्फ मेथड अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है. फेबिना सिंपल इंटरेस्ट से लेती है और राधा कंपाउंड इंटरेस्ट से लेती है. क्लियर? बाकी दोनों की बाकी सब कुछ तो सेम है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? पी एन आर अपॉन 100. ठीक है, पी कितना है? 12,500. एन है 3 years, आर है 10 अपॉन 100. 2 2 0s तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3, 125 प्लस 125 250 प्लस 100 350 प्लस 25 375 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 3750. ये उसका इसका क्या हुआ? पहले तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हुआ. हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. वो पे मोर इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट नहीं पूछा है, किसकी टोटल अमाउंट ज्यादा होगी वो नहीं पूछा है. हमें पूछा है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट, मतलब कि हमें इंटरेस्ट ही चाहिए, इसे अमाउंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फेबिना का हमने सिंपल इंटरेस्ट से कर दिया. अब हम करेंगे राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट से. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है. कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कौन सा है? अमाउंट का. तो पहले अमाउंट करेंगे, फिर वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी प्रिंसिपल क्या आएगा? सेम प्रिंसिपल 12,500, इयर्स भी 3 years. ठीक है, और रेट भी 10% ही है. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 10. ठीक है, प्रिंसिपल इज 12,500 इंटू 1 प्लस आर
100 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स है ना. ठीक है, अब 12500 इज 80, ये 880 तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे 10 एलसीएम, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि 10, 10 प्लस 1 मतलब 11 अपॉन 10, उसका क्या है 3 पावर. तो 3 टाइम्स लिखू 12500 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, 110 कैंसिल, अगेन 110 कैंसिल. 5 से यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, बट मैं रखती हूँ ताकि मुझे डिवीजन ना करना पड़े डायरेक्टली, 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगी. ठीक है, 125 मल्टीप्लाई बाय 11 3 टाइम्स, 11 2 टाइम्स मतलब 121, एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 11 1 6 6 3 7 5 1 6 6 3 7 5 डिवाइड बाय क्या है 10 है. ठीक है, तो 10 है तो एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा अमाउंट ए इज इक्वल टू रूपीज 1 6 6 3 7 5. इतना अमाउंट मिला, अब हमें दोनों का इंटरेस्ट कंपेयर करना है. तो इसका तो हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट मिल गया था, पर इसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता. क्या मिलता है पहले अमाउंट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 1 6 6 3 7 5 एंड प्रिंसिपल इज 125 00. ठीक है, तो 0.5 एज इट इज 7 माइनस 0 7 3 माइनस 0 3 6 माइनस 5 1 6 माइनस 2 4 एंड 1 माइनस 1 0. ठीक है, क्या आ रहा रूपीज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रूपीज 4137.5. ठीक है, ये फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट और ये राठा का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है राठा का. ठीक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तब मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जो अमाउंट बढ़ती जाएगी उस पे लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट है वो मेन प्रिंसिपल पे लगता है. तो अमाउंट बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी एड ज्यादा होता जाएगा ना, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा. अगर सेम प्रिंसिपल के लिए सेम इयर्स के लिए सेम रेट पे आपने लिया है किसी भी इंसान ने, ठीक है, सेम प्रिंसिपल के लिए सेम इयर्स के लिए सेम रेट के लिए आपने दो इंसान ने पैसे लिए हैं, एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही पैसा ज्यादा पे करेगा क्योंकि उसे हर एक अमाउंट बढ़ती जाएगी उस पे उसे पे करना होगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट वाले को मेन प्रिंसिपल पे ही पे करना पड़ेगा. क्लियर, ठीक है. तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कौन करेगा राधा और कितना. तो राधा पेज, पहले दोनों का माइनस कर देते हैं, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 4137.5 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3750, करो पीछे का 0.5 एज इट इज 7 माइनस 0 7, यहाँ पे 13 माइनस 5 8, यहां से कट होकर 0 आएगा तो 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 3 आएगा, कितना पे करेगी 387.5. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि राधा पेज मोर इंटरेस्ट बाय रूपीज 387.5. 5 का हम 50 लिखते, 0.5 मतलब कि 50 पैसा, तो 0.50 लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सब जगह भी अगर मुझे चाहिए तो मैं 0.50 लिख सकती हूँ. ठीक है, राधा पे करेगी मोर इंटरेस्ट कितना 387.50 रुपीज. क्लियर, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल क्वेश्चन 3. ये जो सर
किया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन थ्री, तो आज हम यहां तक रखते हैं, क्वेश्चन फोर से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।